क्या आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं बिना कुछ करे? ये यहां पर आपको वो बना कर देगा। टेक्नोविज में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं Vivo X70 Pro की। हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है Vivo X70 Pro Plus के साथ में। ये इंडिया में 46,990 से स्टार्ट होता है, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और अभी काफी ऑफर्स भी लगे हुए, तो डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आप जाके चेकआउट करिए। मैंने इनको लिटरली कैमरा किंग बोला था 2021 का और उसकी काफी सारे वजह है। बेसिकली ये जो फोन से नाइट में काफी प्रीमियम फोटोज लेते हैं और अभी तो दिवाली भी आ रहा है, काफी सजावट होती है, तो और भी बढ़िया तरीके से आप वो सारी चीजें इन फोन्स में कैप्चर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं फुल कैमरा रिव्यू दूंगा इसका, लेकिन ज्यादातर हम फोकस करेंगे नाइट फोटोग्राफी पर क्योंकि उस मामले में ये बहुत ही आगे है। बाय द वे दोस्तों, इसकी पूरी स्पेक्स भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफी प्रीमियम फोन है, कर्व्ड डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस वाली आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बिल्ड भी प्रीमियम है, ग्लास बैक है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स वगैरह है, फॉर्म फैक्टर भी अच्छा है, लाइट वेट इसलिए में 4450mAh की बैटरी है, 44W फास्ट चार्जिंग वगैरह मिलता है जो एक घंटे में इसको फुल चार्ज करता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा है, फ्रंट टच OS 12 पर है, एंड्रॉइड 11 है, बड़ी ही जल्दी आपको एंड्रॉइड 12 भी मिलेगा। अब कैमरे की बात करें तो प्राइमरी 50MP है जहां पर आपको सोनी IMX766 सेंसर मिलता है विथ गिम्बल OIS स्टेबिलाइजेशन। जी हाँ, वैसे आपको 4K 60fps पे वीडियो भी मिलता है और जीस की टी कोटिंग वगैरह भी लगी हुई है, मतलब जो भी घोस्टिंग होती है इमेज में, जो फ्लेयर्स होती है स्पेशली नाइट के टाइम, ये उसको रिड्यूस करता है। वैसे 12MP आपको टेलीफोटो पोर्ट्रेट सेंसर है, 2x उसमें आपको जूम मिलता है, उसी के साथ आपको 8MP का डेडिकेटेड टेलीफोटो सेंसर दिया है जिसमें 5x जूम है, अप टू 60x आपको डिजिटल जूम मिलता है और इसमें आपको OIS मिलता है। साथ में आपको 12MP का एक और अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है जिसमें आपको मैक्रो भी मिलता है। सामने की 32MP सेल्फी है और इसमें भी दोस्तों बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स उन्होंने आपको दिया है। पहले दिन के फोटोज दिखा देता हूं, हालांकि दिन में तो अच्छे फोटोज आ ही जाते हैं, अगर आप डायनामिक रेंज देखते सब कुछ बढ़िया है, शार्पनेस भी बहुत अच्छी लगी थी, फोटोज भी काफी नेचुरल थे क्योंकि सेंसर अच्छा है और ऑप्टिमाइजेशन भी यहां पर अच्छी हुई है। वैसे पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग थे, उसमें भी डायनामिक रेंज मुझे काफी अच्छा लगा था, और उसी के अलावा अल्ट्रा वाइड शॉट्स देखेंगे तो ज्यादा कोई कलर शिफ्टिंग इशू मुझे नहीं दिखाई दिया और एरिया भी अच्छा खासा कवर हो जाता है। और साथ में अगर कुछ जूम शॉट्स भी देख लेंगे तो अच्छे खासे आप अगर लेना है तो जूम शॉट्स भी इस तरीके से यहां पर निकाल सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, वीडियो देख ले तो वीडियो भी काफी अच्छा है, अब गिम्बल स्टेबिलाइजेशन है तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप साइकिलिंग भी कर रहे हैं, बाइक में भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पर भी स्टेबिलाइजेशन आपकी एकदम टॉप नॉच रहेगी, उसमें मुझे इस फोन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सेल्फी देखते हैं तो 32MP सेल्फी है और यहां पर भी शार्प फोटोस आ जाते हैं और डायनामिक रेंज भी आप देखेंगे आपको अच्छा मिलता है, तो यहां पर भी ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हुआ है। और उसी के अलावा अगर सेल्फी वीडियो देखते हैं तो यस, यहां पर भी स्टेबिलाइजेशन अच्छी, आपको AIS मिलता है, तो अच्छे खासे स्टेबल वीडियोस अगर आप चाहिए तो दिन में यहां पर निकाल सकते हैं। अब नाइट की बात करें तो यहां पर गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। यहां पर मैं आपको रियल टाइम बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये नाइट में कैसे फोटोज लेता है और कितना इंप्रूव करता है। तो पहले तो हम बात करते हैं यहां पर इसके जीस टी कोटिंग की। यहां पर बेसिकली ये क्या करता है कि अगर आप फोटोज देख लो, पहले तो ये नॉर्मल फोटोज हमने यहां पर निकाला है और अलग अलग कंडीशन में यहां पर फोटोज क्लिक किया है। अब इसमें दोस्तों कोई भी आप देखेंगे घोस्टिंग नहीं है, कोई भी ऐसा अननेसेसरीली फ्लेयर्स यहां से वहां नहीं आ रहा है, यानी कि क्लीन फोटोज है, नेचुरल है और नॉइस भी काफी कम है। ये सारा क्रेडिट जाता है जीस टी कोटिंग को, तो इस तरीके से आप क्लियर फोटोज जो नाइट में यहां पर निकाल सकते हैं। उसी के अलावा आपको रियल टाइम एक्सट्रीम नाइट विजन मिलता है, ये नाम से ही डिफाइन करता है, बेसिकली जब आप नाइट में कैमरे को ओपन करते हैं वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ब्राइट कर देता है। और इसका एक रियल टाइम टेस्ट आप खुद यहां पर देख लीजिए, एक नॉर्मल यहां पर वीडियो चल रहा है लेकिन जैसे कैमरा सामने आता है आप देखोगे वो सब कुछ ऑटोमेटिकली उसको जो वो ब्राइट कर देता है। और दूसरी चीज, जब आप फोटोज क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि नॉर्मल रहेगा वो, लेकिन उसके बाद जो उनकी ऑप्टिमाइजेशन होती है वो इतना ब्राइट कर देता है, इतना क्लीन कर देता है कि जो क्वालिटी आती है वो एकदम अलग लेवल की होती है। तो यहां पर हमने बहुत जगहों पर टेस्ट किया था और जो फोटोज थे वो नॉर्मल कंडीशन से वो बहुत ही ब्राइट आते थे और काफी बढ़िया और प्रीमियम लगते थे, तो ये खासियत आपको यहां पर इसमें देखने को मिलती है। उसी के साथ आपको नाइट में भी डिफरेंट पोर्ट्रेट स्टाइल्स मिलती है जिसमें जीस के भी खुद के लेजेंडरी यहां पर पोर्ट्रेट स्टाइल है, जैसे कि बायोटर है, डिस्टागॉन है, प्लानर और सोनार। आप देख सकते हैं
इससे भी आप और भी बढ़िया तरीके से नाइट में पोर्ट्रेट फोटोज वगैरह यहाँ पर निकाल सकते हैं। साथ में नाइट वीडियो की बात करते, बहुत कम फोन ऐसे होते हैं जो नाइट में बढ़िया वीडियोस लेते हैं, और मैंने देखा कि वीवो का X70 Pro अच्छे वीडियोस ले लेता है। आपको इसमें गिम्बल स्टेबलाइजेशन, एक OIS लगा हुआ है, और जीस की जो टी कोटिंग वगैरह है, ये सब कुछ मिलाकर देखेंगे तो कोई घोस्टिंग वगैरह भी वीडियो में मुझे नहीं दिखी। साथ में जो स्टेबलाइजेशन थी वो भी बढ़िया थी, तो अच्छे खासे आप स्टेबल वीडियोस चाहो तो नाइट में निकाल सकते हैं। और जो ब्राइटनेस थी वो भी अच्छी थी लाइटनिंग कंडीशन के हिसाब से, तो ये एक अच्छी चीज आपको यहाँ पर मिलती है। हमने थोड़ा सेल्फी वीडियो भी लिया था नाइट में, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो डिसेंट यहाँ पर वीडियोस अगर आप चाहो तो सेल्फी में नाइट में यहाँ पर आप निकाल सकेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, हमने नाइट में भी कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स लिया था, आप देख सकते हैं काफी ब्राइट फोटो था, एज डिटेक्शन वगैरह, और जो क्वालिटी थी वो अच्छी थी। तो नाइट में अगर आपको अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स पे निकालना है वो भी आप यहां पर कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ रियर कैमरा ही नहीं, नाइट में 32 मेगापिक्सल जो सेल्फी है वो भी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। मैं आपको यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब ये जो फोटो है आप देखेंगे, क्लिक करने से पहले बैकग्राउंड में काफी ज्यादा लाइट थी, लेकिन क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो उसने इसको ऐसे ऑप्टिमाइज किया है कि लाइट रिड्यूस्ड हो गई, बैकग्राउंड भी क्लियर है और फोरग्राउंड भी क्लियर है। तो इस तरीके से नाइट में भी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही अच्छी है, और नाइट में भी जो फोटोज आए थे वो काफी शार्प थे, तो ये भी चीज मुझे यहाँ पर इनकी काफी अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि Vivo X70 Pro जो है वन ऑफ द फ्यू फोन से पूरे वर्ल्ड में जो नाइट में अच्छा काम करते हैं उनमें से ये एक है। मैंने खुद पर्सनली बहुत फोन टेस्ट किया हूँ नाइट में, जो मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन X70 Pro में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जीस टी कोटिंग जो काफ़ी प्रीमियम आपको फोटोज निकाल कर देता है, काफ़ी सारे फीचर्स दिया है, रियल टाइम एक्सट्रीम नाइट विजन, सुपर नाइट मोड, नाइट वीडियो भी मिलता है, मतलब वीडियो खोलते ही वो ऑटोमेटिक सीन को डिटेक्ट करके ब्राइट कर देता है, काफ़ी सारे आपको पोर्ट्रेट स्टाइल्स मिलते हैं। तो ये सब कुछ मिलाकर जो नाइट में जो फोटोग्राफी है वो एकदम टॉप नॉच यहाँ पर होती है। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दिया हो, आप वहाँ पर जाके चेकआउट करिए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, रियल टाइम टेस्ट भी ऐसा कहीं कहीं बीच बीच में करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।